नमस्कार प्रदेश हमारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरज सक्सेना। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे और शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है राजस्थान सरकार। अर्जी दाखिल कर अपनी बात रखने की बात उसने कहा है कि सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महिलाओं के लिए प्रभावी होगा, ये सरकार का कहना है। मामले को लेकर मंगलवार को अब इस पूरे सुनवाई पर नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, यानी कि जो अगली सुनवाई है वो मंगलवार को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस अहम मामले की सुनवाई करता हुआ मंगलवार को नजर आने वाला है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब राजस्थान पुलिस पहुंच चुकी है। अर्जी दाखिल कर कहा कि उसकी बात भी सुनी जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आज दिल्ली में है, लिहाजा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हुए हैं, बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें सीधे आपको दिल्ली में हो रही बैठक के दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर, उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई परियोजनाओं को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी और ये स्वागत सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी आप देख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नितिन गडकरी का शॉल पहनाकर स्वागत किया गया है। दरअसल ये जो बैठक है वो खास तौर पर नेशनल हाईवे का जो जाल बिछाया जा रहा है उनसे जुड़ी परियोजनाओं को लेकर बुलाई गई है, जिसमें समीक्षा की जाएगी। क्योंकि इससे पहले जब नितिन गडकरी राजस्थान के दौरे पर आए थे उन्होंने वादा किया था कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रफ्तार लाई जाएगी, तो ऐसे में किस तरीके से परियोजनाओं को रफ्तार देना है, आगे बढ़ाना है, इसी को लेकर स्टेटस पर ना सिर्फ बातचीत होगी बल्कि आगे की रणनीति भी बनेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बैठक में स्वागत किया जा रहा है और किस तरह से रणनीति होगी, चर्चा होगी, महत्वपूर्ण होगा देखना। नितिन गडकरी जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं उनके कामों की जमकर तारीफ होती है, ना सिर्फ सरकार के मंत्री उनके कामों की तारीफ करते हैं बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड जिसको लेकर विपक्ष भी कई बार नितिन गडकरी की पीठ थपथपाता हुआ नजर आया है। तो नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी जिस तरीके से नितिन गडकरी ने बखूबी पूरी की है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में आप दे सकते हैं किस तरह से नेशनल हाईवे को बनाया गया है। एक बड़ा रिकॉर्ड भी यहां पर नितिन गडकरी के नाम इस मामले में दर्ज हुआ है, उनके कामों की तारीफ भी होती रही है और राजस्थान को किस तरीके से आगे और भी सौगातें नेशनल हाईवे के रूप में देनी है, कहां कहां सड़कों का और भी जाल बिछाना है, इसको लेकर आज समीक्षा भी होगी जो इस वक्त राजस्थान के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो कि राजस्थान से होकर गुजरता है, ये बड़ी सौगात नितिन गडकरी की तरफ से ही दी गई थी। अब आगे किस तरीके से काम और भी बेहतर तरीके से करना है, इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन दिल्ली में हो रहा है, लिहाजा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी। और इस बड़ी खबर पर लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, सवाई माधोपुर का रुख करते हैं जहां पर चौथा बरवाड़ा कस्बे में रविवार को मां बेटे के शव फंदे पर लटके मिले। महिला द्वारा मासूम बेटे के साथ खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया, लेकिन घटना आखिरकार कैसे हुई, यानी कि आत्महत्या अगर हुई है तो कारण क्या रहे, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। जांच में सामने आया कि मृतका कुछ देर पहले ही चौथ माता के दर्शन कर लौटी थी, इसके बाद पति बाजार चला गया। जब पति विनोद वापस लौटा तो कमरे में मां और बेटे के शव फंदे पर लटके हुए मिले। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। करीब 8 बजे के आसपास रोशनी वाइफ ऑफ विनोद कस्बा चौथ का बरवाड़ा ने हमें सूचना मिली कि उन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, तो उसकी जांच अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही क्लियर हो पाएगा। अभी पोस्टमार्टम उसका चल रहा है और बाद में जो भी अनुसंधान सामने आएगा। राजधानी जयपुर में अगले 15 दिन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान लगातार चलाया जाएगा। शहर के प्रमुख 11 सड़कों पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, लिहाजा इस अभियान को चलाया जा रहा है। यूडीएच मंत्री
झाबर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को बैठक ली थी। गोपालपुरा मोड़ से गुर्जर की थड़ी, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से श्याम नगर थाने से आगे, अजमेर रोड, जयपुरिया अस्पताल से एसएल मार्ग होते हुए दुर्गापुरा फ्लाईओवर, वैशाली नगर में नेशनल हैंडलूम और नेशनल हैंडलूम के पीछे साथ ही नर्सरी सर्किल, गुप्ता स्टोर, वैशाली सर्किल से खातीपुरा तिराहे, मालवीय नगर फ्लाईओवर, ओवर से प्रधान मां गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से लेकर 200 फीट का बाईपास, ये तमाम इलाके हैं जहां पर आए दिन अतिक्रमण की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। और अब इन 11 प्रमुख सड़कों पर से अतिक्रमण को हटाने का काम आज से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 15 दिन तक पीला पंजा चलता रहेगा, क्योंकि झाबर सिंह खर्रा इस बाबत बैठक लेकर अधिकारी को निर्देश पहले ही दे चुके हैं, यानी किस तरह से जयपुर को जाम मुक्त बनाया जाए, इसी की दिशा में काम की शुरुआत हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की जो ड्राइव है वो अवैध एनक्रोचमेंट के विरुद्ध शुरू हो गई है। जेडीए ने आज गोपालपुरा बाईपास से अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू किया है। इसके पीछे मुख्य ये कारण है कि जो सड़क सीमा के अंदर जो अवैध अतिक्रमण आ रहे हैं उन्हें हटाया जाए, जिससे यहाँ के जो राहगीर हैं, जो यहाँ का जो ट्रैफिक है वो सुगम हो सके, लोगों को आवाजाही में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। इस वजह से इन अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि गोपालपुरा बाईपास से जयपुर विकास प्राधिकरण की जो ड्राइव है वो शुरू हो गई है। आगामी 15 दिनों तक इसी तरीके से शहर के मुख्य मार्गों, मुख्य बाजारों से अवैध जो अतिक्रमण है वो हटाए जाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर में हाईवे 44 का सर्विस रोड बदहाल स्थिति में है। सर्विस रोड पर जगह जगह गड्ढों में बारिश का पानी भर गया है। वाहन चालकों के साथ ही राहगीरों का भी इस सर्विस रोड से गुजरना दूभर हो गया है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर पा रहे। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता हरिवीर ने। देखिए धौलपुर शहर की ये समस्या देखिए, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है ये सर्विस रोड है। इस सर्विस रोड को मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो स्कूल बसें भी गुजरती हैं और ये देखिए ऑटो भी हैं, ये निकल रहे हैं यहाँ पर। ऊपर से NH 44 है वो यहाँ से गुजर रहा है। ये हाल यहीं का नहीं है, पूरे शहर में पानी, थोड़ी सी बरसात होती है उसके बाद में पानी भर जाता है और उसके बाद में जो लोग हैं उनको परेशानी होती है। यहाँ पर हमारे साथ जो कॉलोनी के लोग हैं इनसे यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानी आ रही है। हम गिरिराज कॉलोनी वालों को बरसात के मौसम में नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि ना NHAI सुनती है, ना नगर परिषद सुनता है, ना PHED डिपार्टमेंट सुनता है। नलों के अंदर दूषित पानी सीवर लाइन का आ रहा है। 3 महीने से मैं बराबर इसकी 181 पे कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन ना 181 पे उसकी खाना पूर्ति करके उसको बंद कर दी जाती है शिकायत को। 3 महीने पहले XCN खुद मेरे यहाँ आकर के स्वयं देख गए थे, दूषित पानी का सैंपल लेके गए थे, लेकिन आज तक पाइपलाइन को चेंज करने की बात कह करके मन को संतुष्ट करके और चले गए। आज तक उन्होंने PHE डिपार्टमेंट ने सीवर पानी पीने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रखा है। हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, क्योंकि हर कार्यालय में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जो सुनते नहीं है, ना राज्य सरकार सुनती है। शहर की समस्या को लेकर के ना ही तो नगर परिषद और ना ही NHAI, ना ही जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग ऐसे ही जो समस्या है उनसे जूझ रहे हैं। हरवी शर्मा, न्यूज 18 धौलपुर। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के दोहली गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में धौलपुर सांसद भजन लाल और जाटव और साथ ही भरतपुर सांसद संजना जाटव के साथ भरतपुर महापौर अभिजीत, विधायक जुबेर खान, बीजेपी के नेता जय आहूजा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में दूर दराज से भी काफी लोग पहुंचे। तो यकीनन एक ऊर्जा का सही छोटी सी उम्र में जिन्होंने एक संजना जाटव जी, मैं चाहूंगा कि संजना जाटव जी के लिए। अलवर के नौगावा में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर ना केवल जमीन हड़प ली बल्कि जमीन का यहां पर बेचान भी कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। हालांकि गांव के पंचायत में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल करते हुए जमीन की कीमत देने की बात कही, लेकिन जब पीड़ित पैसे मांगने गया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
आज एक प्रार्थना पत्र हमवार को मिला है कि भाई हमारे मतलब गलत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया और उससे वो जमीन दूसरे के नाम हो गई। तो उस प्रार्थना पत्र मतलब जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्ट्रार अधिकारी जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है वह करता है, तो संबंधित पंचायत को उस प्रार्थना पत्र को मैं भिजवा रहे जो नियमानुसार उसकी जांच कर रिपोर्ट पेश करेगा और उसमें जो भी हमारे होगा जो कानून कार्रवाई होगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अलवर में नगर निगम में ठेके पर लगे सफाई कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों ने आज निगम के बाहर जाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। ठेके पर लगे सफाई कर्मी बकाया एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि 13 महीने पहले सफाई कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई थी लेकिन अभी तक उसके एरियर का भुगतान नहीं किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जो ये सफाई कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है, सफाई कार्य जो बंद किया जा रहा है उसकी बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि सफाई कर्मचारियों का संवेदक की जो ठेका प्रकोष्ठ के जो सफाई कर्मी हैं उनका सरकार द्वारा जो मानदेय न्यूनतम मजदूरी वो बढ़ाई गई थी उसकी अंतर राशि 26 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 13 महीने की बकाया चल रही थी, जिसके लिए कि माननीय आयुक्त महोदय से, महापौर जी से और ठेकेदार जी से सबसे वार्ता की गई। पूर्व हमने 7 दिवस का मांग पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। झुंझुनू में जिला कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी उपकरण एक्सपायरी डेट निकलने के एक पखवाड़े के बाद भी नहीं बदले गए हैं। एडीएम का कहना है कि इस बारे में संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है और जल्द ही फायर सेफ्टी उपकरण बदल दिए जाएंगे। जबकि आलम यह है कि ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में फायर सेफ्टी उपकरण ही नहीं लगे हुए हैं, जहां लगे हैं वहां आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है। हमारे जो कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी उपकरण लगे हुए हैं वो 28 से 2024 तक के अवधि थी, उससे पहले ही हमने संबंधित फर्म को जो है उसको रिफिलिंग के लिए या उसको वापस अपडेट करने के लिए जो है वो कार्यवाही चल रही लिखा हुआ है। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने कार चालक से मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गेंजी घाटा में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर कार चालक से मारपीट की, पथराव भी किया। तीनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से आगे की पूछताछ को लेकर भी लगातार जुटी हुई है और 3 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। के अंदर गेदी निवासी प्रदीप कलाल के साथ पत्थरबाजी की घटना हुई थी। प्रदीप कलाल अपने गांव गेंजी से डूंगरपुर जा रहे थे तो गेंजी घाटे के पास कुछ व्यक्तियों ने उनकी कार पर पत्थर फेंके तो और शराब के पैसों की मांग की और उनसे मारपीट भी की, जिस पर प्रदीप कलाल ने कल थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की थी। आरोपीगण का पता लगाया तो आरोपीगण अमरपुरा गांव जो गेंजी के पास पड़ता वहां का होना पता चला, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आज आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भिलवाड़ा पहुंचे जहां उन्होंने हरि सेवा आश्रम में आयोजित हुए कार्यक्रम में शिरकत की। देवनानी ने श्री गौ सेवा मित्र मंडल के गौ सेवा रथ का शुभारंभ किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि गौ सेवा धर्म की सेवा है, जो गौ की सेवा करता है वो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करता है। श्री गौ सेवा मित्र मंडल और पर्यावरण संरक्षक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज 17 लाख रुपए की लागत से एक अति आधुनिक जिस एम्बुलेंस का लोकार्पण हुआ है, वास्तव में इसके लिए मैं सारे मित्र मंडल के पदाधिकारियों को अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। करौली के हिंडौन सिटी से है जहां पर करसौली गांव में स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को हिंदी मीडियम कराने की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि हिंदी से अंग्रेजी करने के कारण स्कूल में छात्र संख्या काफी कम हो गई है, बड़ी संख्या में छात्रों को दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हिंडौन नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पिछले साल राज्य सरकार ने स्कूल को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कर दिया था जिससे बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही।
इंडौर सिटी से बड़ी खबर है, जहां पर सरकारी स्कूल पर एक बार फिर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। ग्रामीणों के साथ विद्यालय के छात्र और छात्रा भी प्रदर्शन कर रहे हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय को हिंदी माध्यम में करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदी माध्यम विद्यालय में 650 छात्र संख्या थी, जबकि अंग्रेजी माध्यम में अब सिर्फ 400 छात्र बचे हैं। ऐसे में प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर यही मांग कि इसे वापस हिंदी मीडियम में कराया जाना चाहिए। जगह जगह आप देख रहे हैं विद्यालयों में छात्र और छात्रा इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर खबर हिंडौन सिटी से है। सरकारी स्कूल के बाहर देखिए, ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया, स्टूडेंट्स भी बाहर खड़े हुए हैं। मांग कि एक बार फिर जो हिंदी मीडियम स्कूल था उसे वापस हिंदी मीडियम करा जाए, क्योंकि पिछली सरकार में आपको बता दें कि हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कर दिया गया था, और ऐसे में छात्रों की संख्या पर भी असर पड़ा है। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करसोली का बच्चों एवं ग्रामीणों की मांग है कि ये इंग्लिश मीडियम है, इसको हिंदी मीडियम करवाया जाए या दो पारियों में इंग्लिश और हिंदी दोनों पारियों में चालू रखा जाए। इसलिए आज धरना प्रदर्शन बच्चों एवं ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा है। खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां पर परिहारा में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज आवाज के साथ पानी की टंकी गिर गई। 1.5 लाख लीटर पानी से भरी टंकी गिरने के साथ ही एक दफा बाढ़ जैसे हालात हो गए। आनंद फानंद में अधिकारी को सूचना दी गई, जिस पर रतनगढ़ से पहुंचे अधिकारियों ने वहां पर तुरंत कार्रवाई की। एएन पूजा ने बताया कि टंकी करीब 30 साल पहले बनाई गई थी, जो मौजूदा वक्त में जर्जर भी हो चुकी थी। यही वजह है कि अचानक टंकी भरभरा कर नीचे गिर गई। हालांकि उच्च अधिकारी को अब प्रस्ताव भेजा गया है, आगे अब इसका काम यहां पर किया जाएगा। गनीमत यह रही कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और जेएन ऑफिस में बहुत से सारे ऐसा टंकी बनी हुई थी, और ये 30 साल लगभग पुरानी टंकी थी। इसके रिप्लेसमेंट के प्रपोजल भी हमने बना लिए थे। सुबह लगभग 5 बजे की घटना है, और हमारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे, और उसी टाइम ये गिरने की घटना हुई। उन्होंने हमें सूचित किया, और इनकी सूचना मिलने पर हम यहाँ मौके पर उपस्थित हुए, और ये लगभग 30 साल पुरानी टंकी है। खबर अलवर से है, जहां पर पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल किए गए 4 मोबाइल भी जब्त हुए हैं। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि अपने मोबाइल में सुमित कुमार नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी। उसकी आईडी कार्ड और आधार कार्ड गूगल फोटो से डाउनलोड किए गए थे। ये लोगों को सोशल मीडिया पर पुराने सिक्के बेचकर लखपति और करोड़पति बनने का झांसा देते हैं। इनकी फेसबुक आईडी को जब चेक किया गया तो फेसबुक ओल्ड क्वाइन वॉरियर्स कंपनी पूरे नाम की आईडी एक्टिव थी, जहां पर फोटो को एडिट कर किसी भी नाम व्यक्ति की फोटो लगा देते थे, और झांसे में जोन किया आ जाता था, फोन पर बारकोड से पैसे मांगे जाते थे। पूछताछ अब पुलिस इन आरोपियों से कर रही है। सायकालीन गश्त इस साइबर क्राइम की कार्रवाई अभियान हेतु रवाना हुए। गश्त करते हुए ठेकड़ा बस स्टैंड पर पहुंचे तो जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बंजीरका रोड से ठेकड़ा से बंजीर का नंगड़ा बंजीर का जाने वाले रोड पर बैठे हुए हैं, जो फेसबुक आईडी पर फर्जी आईडी बनाकर साइबर ठगी का कार्य करते हैं। मुख्य खास सूचना के अनुसार रवाना होकर मौके पर पहुंचे तो 2 व्यक्ति दिखाई दिए, जो पुलिस वर्दी को देखकर भागने लगे, जिनको हमारी जाब्ता की मदद से पकड़कर नाम पता पूछा तो एक ने नाम अपना नाम अजरुद्दीन, दूसरे ने अपना नाम आरिफ बताया। खबर राजसमंद से है, जहां पर नगर परिषद क्षेत्र की सड़कें पहली बारिश में दरिया बन गई हैं। पहली बारिश को वो नहीं झेल पाई हैं। बारिश के बाद जगह जगह डामर और कंक्रीट उखड़ने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आलम यह है कि जब नगर परिषद में सड़कों की रिपेयरिंग के लिए 50 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया, वहीं ढोइंदा क्षेत्र में हाईवे को जोड़ने वाली 1 महीने पहले करीब 10 लाख की लागत से बनी सड़क 10 दिन में टूट गई। हद तो तब हो गई जब नई सड़क पर करवाया गया पैचवर्क 3 दिन में ही उखड़ गया और फिर से सड़क पर गड्ढे पड़ गए। उधर स्थानीय लोगों ने निर्माण में घटिया सामग्री विस्तार करने का आरोप लगाया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
राजसमंद जिले में मानसून की बारिश ने भले ही यहाँ की धरती को तृप्त नहीं किया हो, लेकिन मानसून की एक बारिश ने ही यहाँ की सड़कों की हालत खराब कर दी है। आलम यह है कि राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में महज एक बारिश भी यहाँ की कई सड़कें नहीं झेल पाई और सड़कों की हालत बुरी तरह से उखड़ गई। सड़क पर से कंकर और डंपर बाहर आ चुका है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ धोइंदा क्षेत्र में, ये सड़क पे धोइंदा क्षेत्र की ये जो सड़क आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये सड़क महज एक महीना भी नहीं सड़क को हुआ है और सड़क की स्थिति ये है कि आप खुद देख सकते हैं, ये सड़क पे हाथ लगाते ही सड़क से ये मिट्टी ये और ये जो कंक्रीट है ये बाहर आ रही है। ऐसे में आप खुद ये कयास लगा सकते हैं कि सड़क निर्माण में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि लोगों का आरोप है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, सामग्री का इस्तेमाल सही नहीं किया गया, सड़क पे जगह जगह गड्ढे पड़े। ये सड़क कब बनी थी और सड़क बनने के बाद इस सड़क की ये जो बड़ी घटिया सी स्थिति दिख रही है, तो कितने दिन पहले बनी थी ये सड़क? ये ज्यादा से ज्यादा 15 और 20 दिन हो गए इसको, और इन्होंने वापस रिपेयरिंग की वो कंडीशन है। ये पहले वाली सड़क तो ये है, उसके बाद वापस रिपेयरिंग की वो भी उखड़ गई है। और दिन में रिपेयरिंग भी उखड़ गई है, मतलब 20 दिन पहले जब बनाई और वापस इसको रिपेयरिंग किया वो भी उखड़ गई 20 दिन के अंदर। अच्छा, ये तो सड़क की हालत देख के हाथ लगाते तो ये कंक्रीट बाहर आ रही है, कंक्रीट बाहर आ रही है, देख लो ना अब मतलब क्या होगा आगे, ये स्थिति है। तो और ये क्या मेन तो नुक्कड़ आ गया, तो नुक्कड़ के अंदर जो भी बैग वाला जाता है वो फिसल के नीचे गिरने की कंडीशन रहती है, और दो चार तो गिर भी गए हैं यहाँ पे। और क्या ये सब काश्तकारों का गांव है, तो काश्तकारों में सब सुबह घास के लिए भैंस गाय के लिए घास के लिए जाते हैं, वजन लेके जाते हैं, इनको चलने में यहाँ पे जाने आने बहुत असुविधा होती है। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेशनल केवला देव पार्क के होटल में आग लग गई। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। होटल अशोक में रिसेप्शन पर बताया जा रहा है आग लगी है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट है। होटल में रखा सारा रिकॉर्ड साथ ही फर्नीचर जलकर राख हो गया। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर अब काबू पा लिया गया है। ये बड़ा अपडेट भी अपने दर्शकों को दे दें, होटल एंड लॉन्च में उस समय कोई पर्यटक नहीं रुका था, नहीं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। तो नगर निगम के आयुक्त भी मौके पर पहुंचे। जब ये आग लगी थी मौके पर फायर सेफ्टी के सिलेंडर नहीं थे, यानी कि एक बड़ी चूक भी यहां पर देखने को मिली है। जो गाइडलाइंस होटल और रिजॉर्ट के लिए दी जाती हैं, होटल लॉन्च में बताया जा रहा है कि फायर सेफ्टी के सिलेंडर नहीं थे। नगर निगम के आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का नुकसान यहां पर होटल को जरूर हुआ है और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, चूंकि जब ये आग लगी तो कोई पर्यटक वहां पर मौजूद नहीं था। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए महरो राजस्थान।